चॉकलेट कवर्ड पीनट बटर कप्स बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है क्योंकि हम इसे मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए आपको चाहिए एक बड़ा पतीला। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए आपको डबल बॉयलर की जरूरत पड़ेगी, पर अगर आपके पास वो नहीं है तो आप घर से कोई भी गहरा स्टेनलेस स्टील का पतीला ले लीजिए। इस पतीले को मैं एक चौथाई पानी से भर लूंगी और उसके बाद मैं एक कटोरी इसमें डाल दूंगी, एक गहरी कटोरी। मैं कांच की कटोरी यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और छोटा बर्तन है जो इसमें सेट हो जाए और आधी कटोरी उसमें डूब जाए, आप वो भी ले सकते हैं। अब जो मैंने कटोरी पानी में डुबोई है उसको पतीले के साथ मैं मीडियम सेक पे गैस पे रख दूंगी। जब ये पानी बॉईल हो जाए तो हम इसमें जो हमने छोटे छोटे चॉकलेट के टुकड़े किए हैं वो कांच की कटोरी में हम डाल देंगे और हमारा सेक इस समय मीडियम हीट पे ही है। अब जैसे जैसे ये चॉकलेट मेल्ट हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा हिला दीजिए, क्या आप देख लेंगे इसमें थोड़े से टुकड़े पड़े हैं, थोड़े थोड़े रहते हैं अभी मेल्ट होने, तो आप इसको एक बार ही हिला दीजिए। अगर आपके पतीले में पानी कम हो रहा है और चॉकलेट अभी मेल्ट नहीं हुई तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो चॉकलेट वाला बोल है उसमें पानी ना चला जाए। अब ये चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। इस आइस ट्रे में चॉकलेट जो मेल्ट की हुई है वो डालने से पहले मैं इसको थोड़ा सा कोट कर रही हूँ कोकोनट ऑयल से, और अब हम इसमें जो चॉकलेट मेल्ट हो गई है वो डालेंगे। अगर आप अपनी चॉकलेट मेल्ट नहीं करना चाहते तो आप इस रेसिपी के लिए वीगन चॉकलेट स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं। हम पीपल फार्म का वीगन चॉकलेट स्प्रेड यूज कर रहे हैं इस रेसिपी में। और उसको ये देखिए कितनी स्मूथ है ये, और उसको हम थोड़ा थोड़ा ट्रे में डालते जाएंगे जिसमें मैंने ऑलरेडी ऑयल लगाया हुआ है। एक लेयर मैंने इसमें चॉकलेट डाली है, इसी तरह आप पूरी ट्रे में चॉकलेट डाल लीजिए। अब जो हम सेकेंड लेयर डालेंगे वो हम डालेंगे पीनट बटर की। इस तरह से सारे ब्लॉक्स में आप ये डालते जाइए पीनट बटर। ये थर्ड लेयर है चॉकलेट की, ये मैंने इस पे डाल दी है। अब हम इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे। अब जो हमने पीनट बटर और वीगन जला को आइस ट्रे में डाला था उसको हमने अच्छी तरह से जमा लिया है। मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रखा था, अब मैं इसको मोल्ड से निकालूंगी। अब हम इसे मोल्ड से निकालेंगे और मोल्ड से निकालने के बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं, या अगर आपने उसी समय खाना है तो आप उसी समय भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा हेल्दी और बच्चों को पसंद आने वाला, बड़ों को पसंद आने वाला स्नैक है, तो ये स्नैक रेडी है।